की डोर को आराम से ढील देना और हमेशा ध्यान रखना कि हवा का बहाव किस ओर को है। ये, अब मेरी पतंग उड़ रही है सबसे ऊंची। ज्यादा देर तक नहीं। मेरी पतंग कट गई। अपनी पतंगबाजी पर इतना ही भरोसा है तो जीत कर दिखाओ भीम से। हाँ, भीम की तरह पतंग कोई नहीं उड़ा सकता। ऐसा है तो हो जाए मुकाबला, जिसने पहले दूसरे की पतंग की डोर काटी वो जीता। ठीक है कालिया। ढोलू भोलू ढील दो। पूछना क्या, काट के छोड़ूंगा। मैं देता हूँ उस दो। नहीं, मैं दूंगा। बाबी, तुम जीत गए। इन दोनों नासमझों की वजह से, वरना मैं ही जीतता। खेल में जीत हार तो लगी रहती है कालिया, खेल का असली मजा तो दोस्तों के साथ मस्ती करने में है। बहुत ही स्वादिष्ट है ये तो। मैं तो सारे खा जाऊंगा। चुटकी, लड्डू तो सच में बहुत मजेदार हैं, बड़ा मजा आया। शुक्रिया भीम। भीम, अगर हम अब पतंग खरीदने नहीं गए ना तो सारी अच्छी पतंगें बिक जाएंगी। फिर पतंग उड़ाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। सही कहा राजू, चलो चलकर पतंग खरीदते हैं। उस्ताद, हमने तो अपनी पतंग चुन ली, अब आप कौन सी पतंग ले रहे हो? मैं वो वाली पतंग लूंगा। ये देखो। चलो अब मैदान की तरफ चलकर पतंग उड़ाते हैं। किसी ने मुझे नहीं चुना, कोई मुझे उड़ाना नहीं चाहता। शायद किसी ने मुझे देखा ही नहीं होगा। मैं उस मैदान की तरफ जाता हूँ। पतंग है। अलग अलग जगह जाता हूँ इस उम्मीद में कि कोई ना कोई बच्चा मुझे उड़ाने के लिए चुन ले। लेकिन नहीं चाहता हूँ। और अब तो मेरी डोर भी कट गई। इतने उदास मत हो। हाँ, हम हैं ना, हम खेलेंगे तुम्हारे साथ। सच? बिल्कुल। पतंग कुछ जानी पहचानी से लग रही है। हाँ। क्यों कालिया, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ना? काटूं तुम्हारी पतंग? तब मेरा ध्यान कहीं और था। मैं तुम जैसे चूहों से बाजी नहीं लगाता। वैसे भी मैं सोच रहा था कि इस साल तो मैं भीम को हरा ही दूंगा। हाँ, ठीक है, फिर तो हो जाए बाजी। देख लेंगे कौन किसको हराता है। ठीक है। तो क्या कहते हो, इस बाजी में बनोगे मेरी पतंग? बिल्कुल भीम। चलो राजू, हम तैयार हैं। शुरू। मुकाबला शुरू हो चुका है। दोनों प्रतियोगी अब
देखना, जल्द ही तुम में से किसी को मैं पकड़ लूंगा। ये लो चक्कू। चक्कू यहाँ यहाँ। मैं तो कभी पकड़ में नहीं आऊँगा। चूक गए तुम भी, चूक गए। बाजू। नहीं चुका। जग्गू, अब तुम डैनर। भीम, क्या कमाल का पकड़ा। हाँ वही तो, क्या क्या बढ़िया खेलता है ना भीम। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं खेल रहा होता तो ऐसे ऐसे कमाल दिखाता, ऐसे कुंग फू पैंतरे अपनाता। अपने साथ साथ हमारा भी पैतरा खराब कर दिया। ओ, 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 वैसे सेब गिराने का शुक्रिया कालिया। अपने उस्ताद की है ही आदत ऐसी, दिखाने चलते हैं पैतरा ऐसा जिससे हर कोई हारे। उल्टा गिरा बैठते हैं सेब सारे और हमें दिखा जाते हैं तारे। बड़बड़ बन, वरना मुंह में पाओगे ये पड़े सेब सारे। अरे तारों से याद आया, आज शाम को हम सबको महल जाना है ना, तारे देखने। हाँ, राजकुमारी इंदुमती ने हम सबको खास न्योता दिया है। तब तो आज महल में खास दावत का भी इंतजाम किया गया होगा। तीखे समोसे, करारी कचौरी और टुनटुन मौसी के मजेदार लड्डू। माँ ने मुझे आज घर जल्दी बुलाया था उनके काम में हाथ बटाने के लिए। हाँ, काम? हम बच्चे भला घर का काम क्यों करें? हाँ, क्योंकि इससे हम ना केवल अपने माँ बाप की मदद करते हैं बल्कि खुद कुछ नया भी सीखते हैं। माँ कहती है कि जिम्मेदारी सीखने का इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं। लेकिन अगर तुम घर का काम करती रहोगी तो महल कैसे चलोगी हमारे साथ? मुझे माँ की मदद तो करनी ही होगी। तो हम सब तुम्हारी मदद करेंगे चुटकी। चलो जल्दी, शाम होने ही वाली है। चलो। बक्से खास किसी के जन्मदिन के लिए बनाए गए हैं, इनसे कुछ लेना ठीक नहीं होगा। मुझ में तो ताकत बची ही नहीं। ऐसे में काम करना तो सजा है सजा। वैसे कालिया कहाँ है? परेशान है। कैसे परेशानी? क्या बात है, क्या कालिया ठीक है? भीम, वो उस्ताद तो। जल्दी बोलो ठोलू बोलू, क्या कालिया को कुछ हुआ है? नहीं चुटकी, उनका चचेरा भाई रामू आया है और जब से आया है तब से अपने उस्ताद की सारी मस्ती समझो गुल। ना वो हमसे मिलने आते हैं, ना खेल सकते हैं। रामू को खुश करने की कोशिश
कोशिश में उनका सारा समय जा रहा है। लगता है कालिया को हमारी मदद की जरूरत है। चलो दोस्तों। ये क्वालिटी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। एक बार आप चूक कर देखिए। ये लो मटका। अरे वाह, इतनी सारी खाने की दुकानें। क्या कहते हो रामू, चलकर हर पकवान को खाए। जैसी तुम्हारी मर्जी। पहले नूडल्स खाते हैं। काका, दो प्लेट नूडल्स तो दीजिए। हाँ बिल्कुल, ले लो। ये भी तुम ही खा लो। तुम्हें ये पसंद नहीं? नहीं, मुझे नहीं खाना। हाँ? चलो फिर दूसरी दुकान से कुछ और लेते हैं। कितना अजीब है ये रामू, इतने स्वादिष्ट नूडल्स इसे पसंद ही नहीं। ले लो, ले लो। कचौरी, समोसे, वो भी गरमा गरम, ये तो तुम्हें जरूर पसंद होंगे ना रामू। बिल्कुल नहीं। क्यों, तुम्हें समोसे नहीं पसंद? ये सब खाने के बिना तो मेरा दिन ही पूरा नहीं होता। मिठाई तो हमें जरूर पसंद होगी, वहाँ चलते हैं। ले लो स्वादिष्ट मिठाई, खाओ। रसमलाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, क्या खाना पसंद करोगे रामू? कुछ भी नहीं। हाँ? ऐसा क्यों? क्या पता भीम, मैं वही खाता हूँ जो मुझे पसंद आता है। तो क्या पसंद है? नमकीन चने या फिर जलेबी और रबड़ी? नहीं, ये खास लड्डू खाना पसंद करोगे। क्या है इनमें? हम चखके बताते हैं। अब रामू क्या खाएगा ना समझो। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे मिठाई खाना उतना पसंद नहीं। कुछ तो होगा जो तुम्हें खाने में पसंद होगा रामू। छोड़ो, मैं चलता हूँ कालिया। बहुत लड्डू खा लिए तुमने भीम, ये आखिरी वाला तो मैं ही खाऊंगा। हाँ हाँ, खा लो। वैसे भी टुनटुन मौसी और लड्डू ला रही है, उसकी शुरुआत तो मैं ही करूँगा। पत्थर तो नहीं खा लिया? मेरा दांत, अब क्या करूं? उस्ताद, फिलहाल आप लड्डू तो मत ही खाओ। फिक्र मत करो कालिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखना, एक नन्ही परी आएगी और तुम्हें इस दांत के बदले और मीठा दे जाएगी। हाँ, आज रात को तुम्हें ये दांत बस अपने तकिए के नीचे रखना है और कल सुबह इस दांत के बदले तुम्हें मीठा मिलेगा। हाँ? काश हमारा दांत भी टूटा होता। मजाक किया तुमने मेरे साथ चुटकी, कोई परी नहीं आई। हाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? पर कुछ दिन पहले जब मेरा दांत गिरा तब तो दांत परी आई थी। ये तो बहुत अजीब बात है, कहीं हमारी परी किसी मुश्किल में तो नहीं है? हाँ भीम, हमें अच्छी परी को बुलाना चाहिए, शायद उन्हें कुछ पता हो। हाँ, अच्छी परी। क्या बात है भीम, सब ठीक तो है ना? हाँ अच्छी परी, सब कुछ ठीक है। पूछना तो आपसे था कि सब ठीक है ना? बात ये है कि कालिया ने ये दांत अपने तकिए के नीचे रखा था और दांत परी शायद आए ही नहीं। हाँ भीम, दांत परी तो सच में बहुत मुश्किल में है। तब से कोई दांत परी को आजाद नहीं कर पाया है। मगर कोई तो रास्ता होगा। कोशिश तो की है, मगर हम तो जा सकते हैं। हाँ,
मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ सकती हूँ, फिर उसके आगे। उसके आगे की चिंता आप ना करें अच्छी परी, हमें कुछ नहीं होगा। हाँ अच्छी परी, भीम जो है हमारे साथ। शुक्रिया भीम, तुमने दांत परी को बचा लिया। बोलो भीम, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं, दांत परी ठीक है, बस यही काफी है। और ये तुम्हारे लिए एक खास तोहफा। हाँ, सब कालिया के टूटे दांत का कमाल है। अरे वाह, पकड़ सकते।
से मेरी बुराई करने लगे तुम दोनों। नहीं नहीं उस्ताद, हम तो बस ये कह रहे थे कि आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो क्या, आप तो बिना मेहनत किए ही सबसे ताकतवर हो। अब आई ना तुम्हारी अकल ठिकाने पर। भीम, भीम, महाराज ने तुम्हें इसी वक्त महल में बुलाया है। महाराज ने बुलाया है तो जरूर कोई आवश्यक काम ही होगा। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। जी महाराज। भीम, लोहा नगर को मदद की जरूरत है, तुम तुरंत जाओ और मदद करो उनकी। ठीक है महाराज। अरे पर भीम, लोहा नगर को मदद क्यों चाहिए, क्या हुआ है वहाँ? अरे हाँ, हम राजा इंद्रवर्मा को पूछना भूल ही गए। आप कौन है? मैं हूँ स्वामी अपरंपार, और मुझे पता है तुम लोहा नगर क्यों जा रहे हो। चलो मेरे साथ। लेकिन इसका करना क्या है? लोहा नगर को बचाने के लिए वो लोहे का कड़ा पहनना जरूरी है, जिसके लिए इस पुतले को तोड़ना होगा। स्वामी जी, ये किस काम का? लोहे का ये कड़ा काम का है बड़ा। वो रहा लोहा नगर। कोई कोई मेरी मदद करो। तुम लोग कौन हो? तुम लोग? मैं भीम हूँ, हम ढोलकपुर से आए हैं आपकी मदद करने के लिए। पर आज तक मेरी मदद करने कोई नहीं आया। लेकिन आपकी ये हालत हुई कैसे? पूरे लोहा नगर में मैं सबसे बेहतरीन लोहार था। एक रात जब मैं काम करते करते सो गया, तब मेरे सपने में एक परी आई। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मूर्तियाँ बनाने का बड़ा शौक है, लेकिन सिर्फ एक मूर्ति बनाने में कई महीने लग जाते हैं। इसलिए मुझे ये वरदान चाहिए कि मैं जिसे भी छूं वो लोहे का बन जाए। और फिर घर जाते वक्त मैंने रास्ते में दिखने वाली बहुत सारी चीजों को छुआ और सब कुछ लोहे का बन गया। फिर मैं भागते भागते अपने घर पहुंचा और अपने बेटे और अपनी बीवी से खुशी से गले मिला। इसका कुछ तो उपाय होगा। उसके लिए मुझे ये कड़ा निकालना होगा, लेकिन ये कड़ा निकलता ही नहीं। देखो ऐसे कैसे नहीं टूटता, मैं एक मिनट में तोड़ देता हूँ। रुक जा हालिया। उस्ताद, दोनों भूलो मत। तुम कोशिश करोगे? आपके कड़े को मैं तोड़ सकता हूँ। शुक्रिया भीम, अगर तुम नहीं होते तो ये मुमकिन नहीं होता। तुम हार गए, तुम हार गए। मनु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी नई साइकिल चला रहा था। शुरू किया बोधकपुर में और ढोलकपुर तक पहुँचा, पता ही नहीं चला। चलाना चाहोगे? मनु सच्ची, क्या मैं चला सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। बड़ा आया मेरी साइकिल चलाने वाला। ये मेरी सुपर साइकिल है, चलाना चाहोगे? अब साइकिल के
इन मच्छरों को तो मैं। ओहो, इस समय राजू कहाँ जा रहा है? भीम को बताता हूँ। बहुत हो गया, मुझे एक दास ढूंढना होगा जो मेरा सारा काम करेगा। मुझे अपना गुलाम मिल गया। बच्चे, तुम्हें साइकिल चाहिए? आप लाएंगी मेरे लिए? तो चलो मेरे साथ। अगर तुम मेरे बस्ते को नदी पार कराने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें साइकिल दे दूंगी। आपका बस्ता कहाँ है? वहाँ। मुझसे नहीं होगा। और अब हम चले मेरी प्यारी गुफा में। इतनी जल्दी नहीं, मेरे दोस्त को वापस होश में लाओ। मेरी शक्ति को जानते नहीं बच्चे? उस लड़के को ले जाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और मुझे अपनी शक्ति के लिए चाहिए सिर्फ एक लड्डू। आधा भी चलेगा। छोड़ दो मुझे बच्चे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। हाँ हाँ चली जाना, पर पहले मेरे दोस्त को जगाओ और अपना वादा निभाओ। क्या हुआ और ये कौन है? ये तुम्हें एक बढ़िया साइकिल देने वाली है राजू। क्यों, है ना? वाह, ये सच में मेरे लिए है? हाँ हाँ। अब मैं जाऊँ? हाँ, और कभी वापस मत आना। जा तू तू सीख ले पूरा। जम 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 भूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जुम जुम जम 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 भूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दू पत्थर उठ जाए पूरा। जुम जुम लड्डू तुझे खिला दू, केला तुझे दिला दू, जादू तुझे सिखा दू मैं ये पूरा पूरा। जम जम भूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दू पत्थर उठ जाए पूरा। हवा में लहर जाए, वक्त को ठहराए, पानी पे चलते जाए, हर राग में तू गाए। जादू ऐसा दे तू कोई काम न रहे अधूरा, नदियों को जमा दे तू पर्वत को कर दे चूरा। जम 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 भूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दू पत्थर उठ जाए पूरा।